जहां एक और कोरोना के तीसरे वायरस ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर भारत सरकार ने हाई अलर्ट जारी कर दिया है और देश भर में हाई अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। वहीं गाजियाबाद जिले में भी कोरोना के तीसरे वायरस ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर पुलिस प्रशासन काफी अलर्ट है और बाहर से आने जाने वाले यात्रियों पर विशेष रूप से निगरानी रखी जा रही है। दरअसल यूपी के गाजियाबाद जिले का पुलिस प्रशासन ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर एक अलग ही मोड पर है। हालांकि गाजियाबाद में किसी भी प्रकार से ओमिक्रॉन संक्रमण नहीं पाया गया है, लेकिन पुलिस प्रशासन ने पहले से ही ओमिक्रॉन वायरस से लड़ने के लिए तैयार है। इस दौरान सीएमओ ने बताया कि ओमिक्रॉन वायरस के लक्षण ठीक कोरोना वायरस की तरह है, इसलिए इससे बचाव करें और सुरक्षित रहे। अभी जो भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार की गाइडलाइन है, उसके हिसाब से सभी तैयारियां करा दी गई। जितने भी बाहर से आने वाले पैसेंजर्स हैं, उनसे डेली ICC के माध्यम से कॉल की जाती है और उनके हालचाल पता किए जाते हैं और उनको 8th डे पर RT-PCR की जांच कराई जाती है। गाजियाबाद में कोई ऐसा भी ओमिक्रॉन का केस है क्या, पॉजिटिव निकला है नहीं? अभी तक कोई भी इस जनपद में कोई भी केस नहीं है। सर, कोरोना देश कोरोना की लहर से अभी निकल रहा है, उसको लेकर अभी तत्काल ही उसमें एक और वायरस की एंट्री हो गई है, इसमें सर गाजियाबाद में अभी तक कोई केस ऐसे हैं या फिर आगे क्या तैयारी रहेगी? अभी तक तो कोई ऐसा केस नहीं आया कि ओमिक्रॉन का लेकर जो वेरिएंट की बात चल रही है, इस जनपद में कोई केस नहीं है, आपके माध्यम से सभी को बताना चाहता हूँ। लेकिन जो भी फॉरेन से आ रहे हैं, उसमें दो तरह के कंट्री हैं, एक एट-रिस्क कंट्री है उनका पर भी, और जो नॉन एट-रिस्क कंट्रीज है उनके जितने भी पैसेंजर जो बाहर से आ रहे हैं उनको ICC के माध्यम से संपर्क किया जाता है।